नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। कांग्रेस की कला समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ जहां 5 राज्यों में हुए चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कला सामने खुलकर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस आला कमान भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए नेताओं को मनाने की कवायद में जुट गया है। यहां तक कि कांग्रेस के बागी G23 नेताओं को मनाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है, लेकिन अब भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक बार फिर मनीष तिवारी के बागी सुर सामने आ गए हैं। श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के लिए पार्टी के हालातों को जिम्मेदार ठहराया है। तिवारी ने पार्टी हाईकमान से लेकर पंजाब के नेतृत्व पर भी सवालिया निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि केवल आंधी नहीं, हार के कुछ बुनियादी कारण भी थे। कांग्रेसी सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य नेतृत्व को इन बातों पर चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और वर्तमान प्रभारी हरीश चौधरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। तिवारी के कांग्रेस हाईकमान के आगे सवाल उठाया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कमेटी को बनाना सही था? क्या 2017 में बाहर से आकर पार्टी में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रधान बनाना सही था? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाना सही था? तिवारी ने कहा कि हरीश रावत ने पंजाब में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान किया, उसकी क्या जिम्मेदारी है? हरीश चौधरी ने जो गलत टिकट बांटे उसकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे बोल सुनील जाखड़ चुनाव में बोल रहे थे, हिंदू और सिखों में फर्क करने की कोशिश की गई, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मनीष तिवारी लगातार आक्रामक होकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में हार के बाद आम आदमी पार्टी की आंधी की आड़ में हार के कारणों को दबाने की हो रही कोशिश पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तिवारी ने कहा कि मार्च 2021 तक कोई नहीं कह सकता था कि पंजाब में कांग्रेस दोबारा सरकार नहीं बना सकती, लेकिन फरवरी 2022 तक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? खड़गे कमेटी को लेकर तिवारी ने जो सवाल खड़े किए उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस की हार की नींव वहीं से रखी जाने लगी थी, क्योंकि खड़गे कमेटी के सामने ही जाकर कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस बिखरती ही चली गई। वहीं हरीश रावत के पंजाब में आने के बाद से ही पंजाब कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो मनीष तिवारी हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले ही G23 के नेताओं आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा ने से अपने आवास पर मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस में मामला सुलझ गया है। लेकिन एक बार फिर से मनीष तिवारी के सवालों ने यह बता दिया है कि मामले में अभी भी पेंच फंसे हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।